हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स यूनिट 4 ट्रेश एंड ट्रेसर। ये यूनिट मैंने आपको पहले लर्न करवाया है, समझाया है, लेकिन आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर और पार्ट 2 कराऊंगी, तो आप ध्यान से समझना और आपकी वर्कबुक भी कंप्लीट करने की है, वर्कबुक में भी लिखने का है। तो वोट डी द महाराजा त्रावणकोर ऑर्डर, महाराजा त्रावणकोर ने क्या ऑर्डर दिया? तो द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ह्यूज डिनर इन हिज पैलेस फॉर मेनी इम्पोर्टेंट पीपल। फिर व्हाट डिड द किंग नोटिस इन द किचन? तो जब महाराजा अंदर किचन में गए और देखने के कितनी वो डिनर की तैयारी हुई है, तो उन्होंने क्या देखा? इन हिज किचन द किंग नोटिस ए बास्केट फुल ऑफ स्मॉल पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स दैट नो वन यूज। ठीक है, तो वो जब किचन में गए तो उसने देखा कि एक बास्केट थी, इसमें वो वेजिटेबल के थोड़े थोड़े पीसीस से फूल थी। तो फिर उन्होंने क्या किया वो है, व्हाट डिड द किंग आस्क द हेड कुक? तो किंग थे, उसने देखा कि वेजिटेबल के पीस से बास्केट फूल है, तो उन्होंने जो हेड कुक था उसको क्या क्या कहा? द किंग आस्क द हेड कुक दैट आस्क द हेड कुक दैट व्हाट विल व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल्स स्क्रैप। स्क्रैप माने छोटे छोटे टुकड़े, तो ये वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसका तुम क्या करने वाले हो? व्हाट डिड द हेड कुक रिप्लाई? तो हेड कुक ने क्या जवाब दिया? द हेड कुक रिप्लाइड दैट दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम। तो उसने क्या बोला कि ये तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो वेस्ट है, वो हम उसको बाहर फेंक देंगे। व्हाट डिड किंग कमांड? तो किंग ने क्या कमांड मीन्स क्या ऑर्डर दिया? द किंग कमांडेड वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, फाइंड ए वे टू यूज देम। तो किंग ने क्या बोला कि ये वेजिटेबल का हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए, उसको यूज़ का कोई रास्ता निकालो, उसका भी अच्छी तरह से यूज़ हो जाए, उसका ऐसा कोई रास्ता निकालो। Why was the cook worried? तो वो कुक चिंता में क्यों पड़ गया? क्योंकि जब महाराजा किचन में आए, तो किंग किचन में आए तो उसने देखा कि छोटे छोटे वेजिटेबल के पीसीस है, तो उसका यूज वेस्ट नहीं करने का है, उसे आपको उसका यूज़ करने का है। तो जो कुक था, हेड कुक था, वो चिंता में पड़ गया कि अब मैं इसका क्या यूज़ करूँगा। फिर क्या, द कुक वॉज वंडरफुल आइडिया बिकॉज ना द कुक वॉज वरीड बिकॉज ही कुड नॉट थिंक वॉट डू विथ दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स। वो कुक था, वो वरीड मीन्स चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसका क्या उपयोग किया जाए। फिर अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो सबसे पहले ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, तो इसका आएगा स्मॉल। फिर ऑर्डर तो डिसऑर्डर, गेस्ट तो होस्ट, फुल तो एम्प्टी, वेस्ट तो सेव, फ्यू तो मोर, आउटसाइड तो इनसाइड, एंड राइप तो अनराइप। तो ये हो गए हमारे अपोजिट वर्ड। अब हम करेंगे मेक सेंटेंस। सबसे पहले है वंस, तो हम उसका यूज़ करेंगे सेंटेंस में, हमें इसका यूज़ करने का है सेंटेंस में कि वंस अपॉन
देयर वॉज ए किंग नेम्ड अकबर। ठीक है, दूसरा है फिस्ट, द किंग इन्वाइटेड गेस्ट फॉर फिस्ट, फिस्ट मीन पार्टी। तो थर्ड प्रिपेयर, द कुक प्रिपेयर्स मैनी डिशेज फॉर गेस्ट, प्रिपेयर मीन्स तैयार करने का, तो द कुक प्रिपेयर मैनी डिशेज फॉर गेस्ट। फिर है ऑर्डर, द किंग ऑर्डर द हेड कुक टू मेक न्यू डिश। ठीक है, तो ऑर्डर की मीन्स हुक्म देना, तो जो किंग था उसने ऑर्डर दिया कुक को न्यू डिश बनाने के लिए, द किंग ऑर्डर द हेड कुक टू मेक न्यू डिश। फिर है कमांड, द किंग कमांडेड द कुक टू यूज ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स, उसको क्या ऑर्डर दिया कि जो वेजिटेबल क्रैप्स के है उसका ठीक तरह से यूज कर दो। स्क्रैप, देयर वॉज ए बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये हो गया आपका मेक सेंटेंस। अब हम आए फाइंड हु सेड द बिलो सेंटेंस टू हुम एंड व्हाई, तो व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये कौन बोलता है और किसे कहता है। महाराजा सेड टू हेड कुक व्हेन ही शो वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही वॉन्ट टू नो that all what will cook do with all these vegetable scraps, they are waste sir we will throw away. So head cook said to the maharaja, the maharaja when maharaj asked him about vegetable scraps he replied maharaja, फिर फाइंड ए वे टू यूज, तो महाराजा सेड टू द हेड कुक, व्हेन हेड कुक रिप्लाइड अबाउट वेजिटेबल स्क्रैप्स किंग टोल्ड हिम टू फाइंड ए वे ऑफ यूज देम, ये हो गए आपके हु सेड टू हुम। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो ये आपकी वर्कबुक में लिखा हुआ आपको देखने का है, इसमें क्या बोला है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे लिखने के वो आपको करने पंचुएट करने का है, लाइन राइट कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो आपको मालूम कि सबसे फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है, तो यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो टी को कैपिटल लिखने का है। फिर आज द हेड कुक वहाँ पे कोमा आएगा कुक के नीचे पास है, और व्हाट विल यू डू है तो व्हाट के ऊपर इन्वर्टेड कोमा आएंगे, और लास्ट में वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा और इन्वर्टेड कोमा बंद करने का है। फिर है दूसरा तो बी, तो डब्ल्यू कैपिटल आएगा, फिर यहाँ भी वेजिटेबल्स द महाराजा सेड, तो महाराजा सेड है वहाँ पे नीचे कोमा आएगा और फाइंड के ऊपर इन्वर्टेड कोमा आएगा, अने फिर वो इन्वर्टेड कोमा वे टू यूज देम, देम के पास फिनिश होगा और फिर ही कमांडेड वो आएगा। ठीक है, अभी आगे है राइट द मीनिंग, अभी हमें मीनिंग बताने के है। पैलेस, पैलेस का मीनिंग क्या होता है, महल, यूज तो वेरी 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 बी। फिर है फिश तो पार्टी, फिर है डिश तो प्लेट, स्क्रैप तो स्मॉल पीसीस ऑफ लेफ्ट ओवर, जो जिसके भी स्मॉल पीसीस लेफ्ट ओवर हुए हैं वो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप। फिर हम आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो महाराजा त्रावणकोर ऑर्डर्ड, तो फर्स्ट आएगा ह्यूज डिनर, क्या आएगा ह्यूज डिनर। सेकंड द वॉज नियरली रेडी, तो यहाँ पे आएगा द फिस्ट, फिस्ट वॉज नियरली रेडी। फिर द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस पीपल्स चटनी एंड ब्रेड रोटी, तो यहाँ पे आएगा कि द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस पिकल्स चटनी ब्रेड एंड रोटी, हो गया। फिर एक नंबर 4, 4 में क्या है, आउटसाइड
he had whole tree full of ripe coconuts. तो ये हो गई हमारी फील इन द ब्लैंक्स. आगे नंबर 8 है, क्वेश्चन फिर करेंगे. थैंक यू.